हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो लिमिनोलॉजी सब्जेक्ट जो है पेपर सेकेंड उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है वो है लिमिनोलॉजी। इसमें आपको डेफिनेशन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड स्कोप ऑफ लिमिनोलॉजी के बारे में बताना है, जो सिनोप्सिस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं और बिना सिनोप्सिस के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन रेफरेंस बताना आपको यहाँ पे ज़रूरी है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो है पॉन्ड्स एंग एंड लेक्स इकोसिस्टम। यहाँ पे पूरा आपको इसका पूरे इकोसिस्टम के बारे में बताना है दोस्तों आपको यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लाइट एंड टेम्परेचर के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे दो टॉपिक आते हैं, उन टॉपिक को आपको यहाँ पे बताना है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लाइट एंड टेम्परेचर लिख दिया है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा दोस्तों। जो दो टॉपिक आते हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, और शॉर्ट्स क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे दो में से कोई एक टॉपिक भी आ सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिजोल्व सॉलिड्स। इसका जो टॉपिक है बहुत लंबा है, लेकिन इसका जो मेन टॉपिक है वो है डिजोल्व सॉलिड्स। तो आपको इसके बारे में लिखना है दोस्तों, और इसके बारे में जो है कहीं से भी डिजोल्व सॉलिड के बारे में आ सकता है, और शॉर्ट्स आंसर भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिजोल्व गैसेस। यहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजोल्व गैसेस के कंप्लीट आपको यहाँ पे तैयार करना है। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टडी ऑफ बायोटा के अंतर्गत जो भी आता है आपको वहाँ पे पूरा तैयार करना है दोस्तों, और उसी से यहाँ पे शॉर्ट्स क्वेश्चन भी यहाँ पे बनेंगे। एंड दोस्तों जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवेज डेफिनेशन कंपोजिशन एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे एक पूरा क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन कि सीवेज डेफिनेशन कंपोजिशन एंड इट्स ट्रीटमेंट, और इसमें शॉर्ट्स भी बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वहाँ बन सकते हैं कि आप यहाँ पे सीवेज के ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में बताइए, इस तरीके से यहाँ पे बन सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेथड्स ऑफ वाटर क्वालिटी टेस्टिंग BOD एंड COD। यहाँ पे भी एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि BOD क्या है, COD क्या है, इसके बारे में बता सकते हैं आप यहाँ पे। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूज एंड मिसयूज इनलैंड वाटर्स। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा, जो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कॉसेस ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एक्वेटिक रिसोर्स देयर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पूरा बनेगा। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि यहाँ पे एक्वेटिक जो कॉसेस ऑफ पॉल्यूशन है उसके मैनेजमेंट के बारे में बता सकते हैं आप यहाँ पे, कंजर्वेशन के बारे में यहाँ पे, कुछ भी यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन बना के वो दे सकता है एग्जामिनर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको दोस्तों कि यहाँ पे लॉन्ग आंसर कम से कम आपको पाँच पेज यानी कि पाँच पेज का होता है 10 पेज दोस्तों, एक पेज के 2 पेज होते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे आपको कम से कम 5 पेज यानी कि 10 पेजों में यहाँ पे आपको लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम की जगह में डायग्राम बनाइए आप बाकायदा, और शॉर्ट्स जो क्वेश्चन है दोस्तों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसमें आपको कम से कम आपको यहाँ पे 6 पेजेस तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, 5 या 6 पेज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जिसमें डायग्राम है वहाँ पे आप 4 पेज भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे जो लिंक है चैनल की, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कीजिए। थैंक यू।